बीती 27 तारीख को शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर को समायोजित करने के लिए बनाई गई पॉलिसी के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सरप्लस गेस्ट टीचरों में से 63 टीचरों को रिलीव करने के आदेश देने के बाद जिले के गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा के आवास पर पहुंचे और शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में उनके पति एडवोकेट अश्विन तिरखा के सामने अपनी समस्या रखी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिक्षा अधिकारी को कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री आ नहीं जाती तब तक जारी किए गए ऑर्डर को होल्ड पर रखा जाए। वहीं गेस्ट टीचर ने बताया कि शिक्षा अधिकारी ने बिना काउंसलिंग के कई गेस्ट टीचर्स को दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टिंग के आदेश दे दिए हैं। हम आज शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। समस्या थी कि 27 तारीख को डिपार्टमेंट ने सरप्लस गेस्ट टीचर्स को समायोजित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन हमारे जिलाधिकारी ने उस पॉलिसी को फॉलो ना करते हुए किसी को भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और सभी को स्टेशन दे दिए गए। हम मंगलवार को भी मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे तो मंत्री जी नहीं मिले, लेकिन उनके पीए हरेंद्र जी ने मंत्री जी को फोन भी किया था, अधिकारी को फोन भी किया था कि आप जब तक मंत्री जी से इनकी मुलाकात नहीं हो जाती है तो आप इस लिस्ट को होल्ड पे रखें, लेकिन अधिकारी ने कल बुधवार को दोबारा से उस लिस्ट को जारी कर दिया और हमारे टीचर्स को रिलीव कर दिया गया स्कूलों से। आज वो ऑन रोड हैं। तो हम मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए आए लेकिन मंत्री जी नहीं मिले, किसी काम से बाहर हैं, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में हम पीए से या उनके किसी अधिकारी से यहाँ मिले हैं। तो उन्होंने अधिकारी को फोन किया है कि जब तक इनकी बात मंत्री जी से नहीं हो जाती है या इनका समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तो जो लिस्ट आपने जारी की थी उसको होल्ड पे रखें और जो भी काउंसलिंग जो भी नियम है उसके अनुसार इनकी काउंसलिंग की जाए और जिले के जितने भी सरप्लस टीचर हैं उनको खाली पोस्टों पर स्टेशन दिए जाए। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि आप लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, आप लोगों को रिलीव किया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है और कौन है इसके पीछे? हम तो यही कहेंगे कहीं ना कहीं कार्यालय ही इसके पीछे है, जिसने जब डिपार्टमेंट आदेश करता है कि काउंसलिंग करो, सभी को ऑफिस में बुलाओ, उनसे उनकी च्वाइस पूछो, उनके पॉइंट भी डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब को उनको से उनको स्टेशन दो, उनसे पूछा जाए भरवाया जाए कि आपको कौन सा स्टेशन चाहिए, लेकिन कार्यालय हमारा जो ऑफिस है वो किसी टीचर को बुलाता नहीं है, सीधे आदेश जारी करता है कि इनको रिलीव करो और आप उस स्कूल में जा करके ज्वाइन करो। ऐसा नहीं होता, जब डिपार्टमेंट ने निर्देश दिए हैं कि आप इस प्रकार से इनको एडजस्ट करना तो वही पॉलिसी एडजस्टमेंट की जाए जो डिपार्टमेंट ने जारी की। अभी आप संतुष्ट हैं जो आपको यहां से आश्वासन मिला? अभी हम मंत्री जी नहीं मिले हैं लेकिन ऑफिस से हम आश्वस्त हैं क्योंकि उन्होंने अधिकारी को फोन करके बोला है कि अभी इस लिस्ट को होल्ड पे रखें और इनका सभी का समायोजन हो और जिनको रिलीव कर दिया गया उनको वापस उनके स्कूलों में। लगभग कितने टीचर्स हैं? लगभग यहाँ पर 200 टीचर हैं जो 189 हैं जो सरप्लस हैं और इन्होंने लगभग 63 को रिलीव कर दिया। हमारी समस्याएं ये थी जी कि हम 63 टीचर्स को ये डीओ कार्यालय से रिलीव कर दिया गया है और पॉलिसी के तहत नहीं किया गया, जबकि जिले में 189 गेस्ट टीचर जो सरप्लस हैं। तो हमारी मांग ये है कि सभी को एडजस्ट किया जाए कि खाली 60 टीचर्स को और दूर दूर दराज जगह पर भेज दिया गया है जो कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है। तो कितनी मुश्किल होती है और बता रहे हैं कि वहाँ पर कन्वेंस तक नहीं, कन्वेंस भी नहीं है जी, और सारे जो गेस्ट टीचर हैं जितने भी हैं सब 50 अबव हैं, कन्वेंस ही नहीं है हमारे पास और हमारी सैलरी भी आधी है जी, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री जी नहीं मिले, उनके प्रतिनिधि मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम कराएंगे हम, आप धैर्य बनाए रखो। फिलहाल संतुष्ट है? हाँ जी। कोई भी शिक्षक वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग भविष्य का निर्माता होता है, तो इनके साथ कोई भी, इन्होंने इनके प्रेसिडेंट बैठे हैं और इनके डेलीगेट पूरे बैठे हुए हैं सारे, तो कोई भी ऐसी इन्होंने बताया कोई इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको पूरा दूर किया जाएगा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और चाहे प्रदेश लेवल पे, मतलब गलत काम नहीं करने दिया जाएगा, मैं इतना एश्योर करता हूँ। बाकी इन्होंने मेरे को दी हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रधान जी ने, उसको हम लेके इनसे बैठ करके ही जो बेस्ट होगा सलूशन इनके हाथ में कराएं। बहरहाल उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के कार्यालय से उन्हें जो आश्वासन मिला है उस पर उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। बहरहाल अब देखना है कब तक गेस्ट टीचरों की समस्या का समाधान होता है।